भारत के मैसूर शहर में जगनमोहन पैलेस यह 1861 में पूरा हुआ था और शुरुआत में मैसूर के राजा वोडेयर द्वारा उनके घर के रूप में इस्तेमाल किया गया था। अब यह एक आर्ट गैलरी के रूप में उपयोग किया जाता है। 1861 में मुंबद्दी कृष्णराज वोडेयर द्वारा पारंपरिक हिंदू स्थापत्य शैली में निर्मित किया गया था। ये जब मैसूर पैलेस अंबा विलास जल गया, शाही परिवार इसको पूरा होने तक इस महल में रहा है। मैसूर विधान परिषद की पहली अवधि 1907 में आयोजित की गई थी और मैसूर विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह इस महल में आयोजित किया गया और इस जगनमोहन महल में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 1915 में जगनमोहन पैलेस को एक कला और पेंटिंग गैलरी में तब्दील कर दिया गया था। इसका नाम बदलकर जय चामराजेंद्र वोडेयर आर्ट गैलरी कर दिया गया। प्रारंभ में मैसूर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह इसी आकर्षक हॉल में आयोजित किए गए थे। हॉल का उपयोग शाही परिवार के सदस्यों के लिए नाटकों और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों के मंचन के लिए एक सभागार के रूप में भी किया जाता था। शहर में वैकल्पिक स्थानों के आने तक इस हॉल में कई महत्वपूर्ण बैठकें और सत्र आयोजित किए गए। दरवाजों पर की गई अद्भुत नक्काशी वास्तव में मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। मुख्य द्वार के दोनों ओर के दरवाजों पर जटिल नक्काशी की गई है। दरवाजे के दोनों किनारों पर दशावतार विष्णु के 10 प्राथमिक अवतार, एक प्रमुख हिंदू भगवान विष्णु, उनकी नक्काशी है। महल के 3 मुख्य रास्ते हैं, धार्मिक महत्व की नक्काशी और हिंदू भगवान से संबंधित लघु मंदिर पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देंगे। इन नक्काशियों को अटेंडेड के रूप में जाना जाता है। यह लकड़ी, पत्थर और बैंड से बनी एक अद्भुत संरचना है जो स्तंभ के ऊपर क्षैतिज रूप से स्थित है। वे शास्त्रीय वास्तुकला के मुख्य तत्व है। महल की भीतरी दीवारों पर मुरली चित्र है। इन चित्रों को सीधे जगनमोहन महलों की दीवारों और छत पर लगाया जाता है। चित्रों के लिए केवल वनस्पति स्तोत्रों का उपयोग किया जाता है और यह दुनिया के सबसे असाधारण चित्रों में से एक है। वोडेयर परिवार का वंश वृक्ष भी दीवारों में से एक पर बनी कलाकृति है। जगनमोहन पैलेस को वर्ष 1915 में एक आर्ट गैलरी में बदल दिया गया था, लेकिन वर्ष 1955 में इसका नाम जय चामराजेंद्र वोडेयर आर्ट गैलरी रखा गया। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी कला दीर्घाओं में से एक है और इसमें राजा रवि वर्मा के कुछ अद्भुत पेंटिंग है। उनकी पेंटिंग्स और आर्टवर्क को दुनिया भर से काफी पसंद किया गया है। आर्ट गैलरी में कला और पेंटिंग मूल्य से परे है और राजा रवि वर्मा के चित्रों की सुंदरता को दर्शाती है। गैलरी में लगभग 2000 पेंटिंग शामिल हैं। राजा रवि वर्मा की कुछ पेंटिंग जीवन की सच्चाई को दर्शाती है। पेंटिंग मैसूर, शांतिनिकेतन और मुगल जैसे विभिन्न भारतीय रीति रिवाजों के चित्रों को दर्शाती है। इतने सारे प्रदर्शनों में युद्ध के हथियार, संगीत वाद्य यंत्र, पीतल के बर्तन, मूर्तियाँ, प्राचीन सिक्के और मुद्राएं भी शामिल है। और यहाँ प्रदर्शित एक और अनूठी कलाकृति एक फ्रांसीसी घड़ी है जिसमें एक तंत्र है जिसमें लघु सैनिकों की एक परेड हर घंटे प्रदर्शित की जाती है। ढोल की थाप सेकंड को चिन्हित करती है और बिगुल मिनट को चिन्हित करता है। चावल के दाने पर बनाई गई पेंटिंग या कलाकृति जिसे केवल एक आवर्धक के माध्यम से ही देखा जा सकता है। जगनमोहन पैलेस में एक बड़ा सभागृह है जिसका उपयोग कई सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे नृत्य, संगीत समारोह और नाटकों के लिए किया जाता है। आज भी दशहरा महोत्सव के दौरान यह महल मंत्रमुग्ध कर देने वाला दिखता है। दशहरा उत्सव के दौरान महल को सजाया जाता है। सभागार में जटिल नक्काशियों के साथ डिजाइन है जो इसे और अधिक सुंदर बनाते। जगमोहन पैलेस मैसूर के मुकुट में एक चमकता हुआ रत्न है और जय चामराजेंद्र आर्ट गैलरी को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कला दीर्घों में माना जाता है। दुनिया भर के कला प्रेमी इस गैलरी की भव्यता और सुंदरता से चकित है।
दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है और अगर इस चैनल पे आप नए हो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। और कुछ भी मालूम है आपको, भला लिखना हो बुरा लिखना हो, कमेंट में आपको कुछ ना कुछ जरूर लिखना है और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के बारे में बताता रहता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे मैं बात करता रहा हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।